संभल पुलिस ने पकड़ी नकली दूध बनाने की फैक्ट्री। भारी मात्रा में नकली दूध बनाते का सामान हुआ बरामद। सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर चला पुलिस का चाबू। पुलिस अधीक्षक ने किया पूरे मामले का खुलासा। आपको बता दें, संभल थाना भैजोई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम के साथ ग्राम जयरोई हयात नगर में गैदन लाल की डेयरी पर छापा मारकर सिंथेटिक दूध बनाते हुए एक अभियुक्त सचिन पुत्र गैदन लाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पिता गैदन लाल पुत्र बदन सिंह निवासी जयरोई हयात नगर थाना भैजोई मौका देखकर फरार हो गया। संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल थाना अध्यक्ष वर्जियों को सूचना मिली थी कि ग्राम जयरई में कुछ लोग सिंथेटिक दूध बना रहे हैं और उसको बना करके लगातार सप्लाई क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। इसी क्रम में वहां दबिश दी गई और वहां तक भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने का सामान, जिसमें यूरिया और ग्लूकोज, रिफाइंड ऑयल, डालडा, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी चीज़ें वहाँ मिली। उसके साथ 120 लीटर बना हुआ सिंथेटिक दूध और 40-40 लीटर के टीन कैन, पाम ऑयल, केमिकल ऑयल और घी जैसा तरल पदार्थ, इसमें और उसकी जो डेंसिटी चेक करने का एक पिपेट होता है वो भी मिला है, जिससे ये लोग फैट जो दूध में होता है उसकी डेंसिटी को बना देते थे और इक्वल उसके कर देते थे। उसका जो वैल्यू होता था इक्वल दूध के, जो रेगुलर दूध है उसके बराबर ये सिंथेटिक दूध कर देते थे और उसके बाद उसको मार्केट में सप्लाई करते थे, लोकल वेंडर्स पे सप्लाई करते थे, चाय की दुकानों पे सप्लाई करते थे और विभिन्न प्लांटों में भी सप्लाई कर रहे थे। इस तरीके से लगातार ये लोग सिंथेटिक दूध बना करके मार्केट में सप्लाई करते थे, जिससे जीवन की हानि होती थी। उसमें केमिकल पदार्थ की वजह से उसका लगातार नुकसान हो रहा था। अभी एक व्यक्ति इसमें सचिव गिरफ्तार हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति गेदालाल जो है वो मौके से फरार हो गया था और अभी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। इसमें और भी लोग और जहाँ जहाँ सप्लाई में लोग शामिल थे तो वहाँ जहाँ सप्लाई हो रहा था उनके चिन्हित किया जा रहा है। मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस मॉडल से सभी को ट्रैक किया जा रहा है। जो भी इसमें संलिप्त है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से 15,000 रुपये टीम को इनाम के रूप में।